कम से कम 50% पानी सागर में जाना ही चाहिए। बहुत ज्यादा आबादी की वजह से अगर हम 50% नहीं जाने दे सकते तो कम से कम 20-25% जाना ही चाहिए। अगर मीठा पानी सागर में न जाए तो मानसून उपमहाद्वीप में नहीं आएंगे। ये विचार कि नदी का सागर में जाना बर्बादी है, ये एक मूर्खतापूर्ण विचार है। नदी को सागर में जाना ही चाहिए, कम से कम 50% पानी सागर में जाना ही चाहिए। बहुत ज्यादा आबादी की वजह से अगर हम 50% नहीं जाने दे सकते तो कम से कम 20-25% जाना ही चाहिए। अगर मीठा पानी सागर में ना जाए तो मानसून उपमहाद्वीप में नहीं आएंगे, वे उपमहाद्वीप से दूरी बनाकर चले जाएंगे। ये सब पूरी तरह स्थापित है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये प्रकृति के सरल तथ्य हैं। अगर मीठा पानी वहां नहीं जाता तो एक चीज है कि खारा पानी जमीन में घुसने लगेगा। भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत आसानी से 100 से 130 किलोमीटर तक के निचले तल में खारा पानी घुस सकता है। ये पहले ही ट्यूटिकोरन में हो चुका है, ये कम से कम 50 किलोमीटर तक अंदर घुस चुका है। गुजरात में हर साल वे 500 वर्ग किलोमीटर जमीन खो रहे हैं क्योंकि खारा पानी धीरे धीरे जमीन में घुस रहा है। जब मीठा पानी वहां नहीं पहुंचेगा, खारा पानी अंदर घुस जाएगा। तो अगर ऐसा हुआ, मान लीजिए 100 किलोमीटर ये सब तरफ से अंदर आ जाता है, इसमें कुछ समय लगेगा, पर अगर ऐसा हो गया, भारत का समुद्री किनारा 7400 किलोमीटर लंबा है। अगर खारा पानी 100 किलोमीटर अंदर घुस जाता है तो उतने वर्ग किलोमीटर की जमीन आप खो देंगे। ये करीब उतनी ही बड़ी जमीन है जितनी आपने पाकिस्तान को बंटवारे के समय दे दी थी। तो आप एक और बंटवारे की ओर हैं, वो सारी आबादी अंदर के इलाके में आने लगेगी क्योंकि वो रहने के लायक नहीं होगा, वहां कुछ नहीं हो सकता। So we are manufacturing a disaster. तो हम एक तबाही तैयार कर रहे हैं। अगर हम इसे अभी ठीक नहीं करते तो ये बहुत ही, जो हम अपने बच्चों को देकर जाएंगे वो एक भयंकर भारत होगा। लोग गंभीर मुद्दे नहीं उठा रहे, वे छोटी चीजों के लिए लड़ रहे हैं, असली चीजों के लिए खड़े होने में वे हिचकिचाते हैं। अब ये कावेरी कॉलिंग सभी के लिए एक परीक्षा है। मैं देखना चाहता हूं देश के 140 करोड़ लोग, देखते हैं वे कैसे प्रतिक्रिया देते हैं और क्या करते हैं। जब हम नदी अभियान के लिए गए थे तब उन्होंने जबरदस्त समर्थन किया था, 16 करोड़ से ज्यादा लोगों ने समर्थन किया। किसी भी आंदोलन को कभी इस तरह का समर्थन एक महीने में नहीं मिला, पर अब कदम उठाने का समय है। उस समय सिर्फ जागरूकता लानी थी, अब कदम उठाना है। इसीलिए इसे कहा गया है कावेरी पुकारे, अभी कदम उठाएं। तो मैं देखता हूं एक मजदूर भी, मैं कह रहा हूं एक भिखारी भी एक पेड़ लगा सकता है ना? ये संभव नहीं है। एक भिखारी भी एक पेड़ लगा सकता है 42 रुपए देकर, या वो खुद लगा सकता है, उसे पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो देखते हैं कि लोग किस तरह से समर्थन करते हैं, इससे हमारी प्रतिबद्धता पता चलती है। देखिए, अपने बच्चों के मुंह में चॉकलेट डालना प्रेम नहीं है। आप अपने बच्चों के लिए किस तरह का देश छोड़कर जाते हैं, यही भविष्य की पीढ़ियों के प्रति आपका प्रेम है कि नहीं? अगर आपको अगली पीढ़ी की परवाह है तो सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि आप अच्छी मिट्टी छोड़कर जाएं। अच्छी मिट्टी के बिना देश कहां है, मैं पूछ रहा हूं।